नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज होली का दिन था, तो होली के दिन मैंने कुछ पपीज़ को स्नान कराया। कुछ सभी पपीज़ को पेट भर खाना खिलाया और यहाँ के जो 3 पपीज़ हैं उनकी टिक्स रिमूव किया। अभी ये मैं मैन्युअली टिक्स रिमूव कर रहा हूँ। ये कहाँ रहते उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। ये इनको जल्दी जल्दी टिक्स हो रही है। इसका कारण हो सकता है ये जहाँ पर कैटल्स वगैरह रहते वहाँ पर जाके उसी बर्तन में ये खाना खाते हैं। एक जगह बड़ा सा ऐसा बर्तन रखा है, उसमें ही वो कैटल्स वगैरह भी खाना खाते और ये भी खाना खाते, तो उस वजह से इनको बार बार टिक्स हो रही है। दो दो संडे पहले मैंने इनको उनकी पूरी टिक्स रिमूव किया था, इनको नहलाया था अच्छे से मेडिकल शैम्पू से। तो जो बारीक बारीक जुए होती है, लिखा जुआ, वो सब मर गई, लेकिन जो बड़ी बड़ी टिक्स है वापस आई हुई है। तो ये अभी मैन्युअली रिमूव कर रहा हूँ मैं। चीचड़ बोलते, चीचड़ बड़ा सा कीड़ा है, उसके अंदर में जुए है। तो होली का दिन मेरा ऐसा रहा, टिक्स रिमूवल और बच्चों का स्नान और पेट भर उनको होली के दिन खाना खिलाया। थैंक यू वेरी मच।